تبلیغ سنانے کے لیے نہیں بلایا، اپنا فیصلہ سنانے کے لیے بلایا. یہ تو میری بہن ہے. سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میڈم، آپ نے بھی تو انگلینڈ سے تعلیم حاصل کی تھی نا. ہاں، پھر تو آپ ساوشا کو بھی جانتی ہوں گی. بڑا غضب کیا ہے. ہم لوگ تو اپنی بیٹیوں کی راہ میں اپنی دستار اتار کر بچھا دیتے ہیں. میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ سارے شاہ میری سوچ سے بھی زیادہ گر سکتا ہے. اس نے میری بیٹی کو بندوق سے روکا. دیکھا تم نے، دیکھا تم نے اپنے بھائی کے کرتوت. ہمارے پریشان ہونے سے سارے شاہ اپنا فیصلہ بدل لے گا. اور مینڈے پتر ہوگا وہی جو سارے شاہ چاہے گا. چاچا سائیں، اس طرح چپ بیٹھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا. پھر میری سمجھ میں تو صرف ایک ہی حل ہے. کیا چاچا سائیں؟ تم سکھا سے شادی کر لو. ہاں ہاں، پڑاکو لڑکی ہے، سمجھدار ہے. چھوٹے سے لڑکے کو اپنے مطابق پال لے گی. بچوں کو پڑھا رہی تھی. بہت چل کے بچوں کو پڑھانے کا.
लोगों के बच्चों को तो पढ़ाती है, उनमें से कोई एक भी तेरी मदद को आए नहीं ना? मेरी चुपचाप मान तो जाकर ढेरे से शादी कर ले और अपना घर बसा। बाकी ये कोर्ट कचहरी के चक्करों में जो तू पड़ी हुई है उनको छोड़ दे, बात कर। छोड़ना नहीं है, तेरे आगे तेरी मौत खड़ी है। तू मुझे मार दे वरना मैं तेरी मौत बन जाऊंगी। ना, इसे नाम, इसे नाम। इसके साथ तो जो कुछ हुई है वो इस पूरी बस्ती में इबरत का निशान बन के फिरेगी। मेरा जीना ही तुझे मौत देगा। तूने मुझे बड़ा अच्छा निशान बनाया है ना, डर उस दिन से जब तू एक मदद का निशान बनेगा। शाह ने क्या कहा है? खामोश। मुर्दे बोला नहीं करते, और तुम लोग तो सब मुर्दा हो। ये पूरी बस्ती मुर्दों की है, जहां किसी का कोई एहसास नहीं, बल्कि तुम लोग तो मुर्दे भी नहीं हो। तुम सब तो सावे शाह के कुत्ते हो, जो उसके तलवे चाटते। ना सब वो पूछ करता है
तो तुम लोग उसके आगे पीछे लौटते हो। कितना लो इज्जत का तुम लोग के आगे। और तुम लोग तो इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम लोगों को अपना बड़ा कहूं। तुम लोगों की बेटी को वो लोग इस तरह घसीट के ले जाते तो क्या तुम लोग जान देते? हाँ शायद तुम लोग तो जान देते, क्योंकि तुम में से तो कोई मर्द रहा ही नहीं है। देखो इस बूढ़े आदमी को, देखो इसने आज मेरे लिए आवाज उठाई। तुम सब तो एक दफा इसके साथ मिलके मुझे बचाने की कोशिश की होती तो ये वक्त ना देखना पड़ता। गाँव में से कोई आदमी नहीं आया जो अपने गांव की इज्जत के सर पे चादर डाल सके। तुम लोगों के सामने तुम लोगों की इज्जत का को कैसे रहने का वो लोग। मैं ही पागल हूँ जो तुम लोगों के बारे में सोचती हूँ। तुम लोगों के बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहती हूँ। मैं पागल हूँ। इस बस्ती में कोई मर नहीं जो सुखा के सर में चादर दे देता। कोई नहीं चादर में इज्जत नहीं है तो सात आसमानों की भी चादर बना के ला देगा ना मेरे सर पे तब भी मुझे इज्जत नहीं मिलेगी। वैसा वो सब इच्छा इसको अपनी इज्जत अपनी दौलत अपनी ताकत का नशा है। और तुम तुझे अपने इल्म का अपना आनंद का गाँव में कोई मर्ज नहीं। सर पे अपने दिल से चादर रखे तू रखेगा रखेगा तो सुता के सर पे चादर दिल से मुझे चादर सही से रखेगा। पूछो इन मस्ती वालों से पूछो मैं पूछ लू है कोई इनमें से कोई है कोई है कुछ में से तू बनाएगा तू डालेगा मेरे सर पे चादर कुछ तू करेगा अपनी बेटे से मेरी शादी। कोई नहीं है इनमें से कोई मर्द नहीं है जो मेरे सर पे चादर बना सके। और ये दिखावे की चादर से चावल मुझे कुछ नहीं चाहिए नहीं। सुखा बहुत चंगी लड़की है सजावल है और मैं चाहता हूं कि वो मजबूत आत्मा में रहे लेकिन डर लगता है कि कहीं वो इस रोई में रोली ना जाए। सब लोग यही पे रुक जाओ।
खोल लिया तूने, अपने दिल की भड़ास निकाल ली। मैं रखूंगा तेरे सर पे इज्जत की चादर, मैं रखूंगा। से तू मेरी इज्जत है सुखा, इज्जत है मेरी। सब लोग कान खोल के सुन लो और सबको बता दो, सुखा मेरी इज्जत है। किसी ने इसकी तरफ मेरी नजर से देखा, उसके चेहरे पे उसकी आंख नहीं रहेगी। इज्जत है मेरी आज से। हाजी साहब, मैं सावेशा। जी सावेशा जी, क्या हाल हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपके डिपार्टमेंट में कुछ लोग मनमानियां करने लगे हैं। जी आप क्या कह रहे हैं शाह जी? देखें हाजी साहब, आपके एसपी ने हमारा एक आदमी मांगा, वो हमने उसे दे दिया और फिर उस एसपी ने उसे कत्ल कर दिया। शाह जी, उस बंदे ने खुदकुशी की। आजी साहब, ये खुदकुशी नहीं है, कत्ल है। अब तो हमें आपका एसपी चाहिए। देखिए शाहजी, पहली बात तो ये है कि वो एसपी सस्पेंड कर दिया गया और उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। अगर हमें कोई उसके खिलाफ सबूत मिल गए तो मेरा ख्याल नहीं कि हम उसे गिरफ्तार न करें। आप इत्मीनान रखें शाहजी, मैं इस सारे मामले को देख रहा हूं और बहुत जल्द किसी हतमी फैसले से आपको आगाह करूंगा। ठीक है जी साहब, मैं इंतजार करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।
शाह छोड़ना नहीं है, तेरे आगे तेरी मौत खड़ी है, मुझे मार दे वरना मैं तेरी मौत मत छोड़ूंगा। तूने क्या किया सजावल, पूरी बस्ती के सामने उस सुखा को अपनी इज्जत बना लिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था माँ, उस पे होने वाले जुल्मों का तो किसी को एहसास ही नहीं है, सब हंसते हैं उस पर। हलो, एक एहसास करने वाला तू ही रह गया ना उस सुखा पे। नहीं एक पास है तो तू कहता था कि मैं अपने भाई के कातल को कभी माफ नहीं करूँगा, और दूसरी तरफ तरफ उसकी बहन को अपनी इज्जत बनाने तोड़ पड़े है। मैंने जो किया अपने भाई के लिए किया है अम्मा, मैंने अपने सावल के लिए सब कुछ किया है, उसकी रूह को खुश करने के लिए किया है। मेरा भाई हमेशा कहता था कि सुखा को मजबूत बाजू चाहिए, कहता था कि उसकी सुखा रोई में रोल ना जाए, और अम्मा सुखा रोई में रोल गई। नहीं देखा गया अम्मा, मुझसे नहीं देखा गया, लेकिन अब सुखा नहीं रुलेगी, नहीं रुलेगी अम्मा, उसको मैंने अपनी इज्जत बना लिया। Thank you.
औरत कोई जानवर नहीं है जिसके साथ जैसा चाहे सुलूक किया जाए। पसमानदा इलाकों में औरत आज भी बहुत मजबूर है। जैसा कि ये वाकया जो मैंने आप लोगों को बताया है, एक मजबूर और लाचार लड़की को सरे बाजार जलील किया गया, क्या ये हमारा आज का मुहज्जब मुआशरा है? इस मुहज्जब मुआशरे में हवा की बेटी को गलियों में नंगे सर घसीटा जा रहा है, उसे जलील और रुस्वा किया जा रहा है, और उस पर जुल्म ये कि उसकी आवाज को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। कुछ ऐसा ही इस रोही की रहने वाली सुखा के साथ भी हो रहा है। इस मजबूर और लाचार लड़की की आवाज सुनने वाला कोई नहीं। मैडम, हम तक भी इस वाकये की इत्तला पहुंची है और आपने इसे मामूल की खबर समझकर नजरअंदाज कर दिया। मैडम, दरअसल इस वाकये को हमारे सामने किसी और ही रंग में पेश किया गया। खैर, इसकी तहकीक कर रहे हैं। इस वाकये की खबर को हम बहुत जल्द कवरेज देंगे। वैसे भी मैडम साहिबा, अब वो वक्त गुजर गया जब किसी भी खबर को छुपाया या दबाया जा सकता था। आपने हालात का दूसरा रुख हमारे सामने रखा है, जिसे बहरहाल अवाम और आला हुकाम के सामने लाना हमारा फर्ज बनता है। ये सिर्फ आपका ही फर्ज नहीं बनता, बल्कि ये हम एनजीओस का भी फर्ज है कि हम जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ आवाज बुलंद करें। मेरे मुख्तलिफ तंजीमों से राब्ते हुए हैं, बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि हम उस मजलूम और लाचार लड़की की मदद कर सकेंगे। ठीक है मैडम, हम ना सिर्फ इस खबर की तहकीक करेंगे बल्कि आपके हवाले से अपना फर्ज भी निभाएंगे। जनाब जवाब साहब, कहिए क्या हाल है आप? मैंने आपके अखबार के दफ्तर फोन किया था, आप वहां पर मौजूद नहीं। अल्लाह का बड़ा करम है। जवाब साहब, आपको बताने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त स्टोरी है। बिल्कुल वही रोही वाला बात। आप ऐसा करें, अपना एक नुमाइंदा वहां भेजें और साथ में फोटोग्राफर भी। बहुत जुल्म हुआ है, बहुत बड़ा जुल्म है। बल्कि मैं आपको एक मशवरा दूंगा, आप चिश्ती साहब से कहें कि वो सहाफियों की भी टीम लेकर वहां जाए। मेरे एक टीवी चैनल वालों से बात हुई है, वो भी वहां पर जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा। हक की फतह हुई है, एक मजलूम की आह ने असर दिखाया है। तुम्हारे साथ होने वाले जुल्म को दूर दूर के शहर के लोगों ने महसूस किया है। वहां से बहुत से लोग आए हैं, बाहर वकील, सहाफी, मुख्तलिफ तंजीमों के लोग तुमसे बात करना चाहते हैं। बेटा, अब तुम पर कभी कोई जुल्म नहीं होगा। सुखा, तू इल्म की ताकत का अंदाजा लगा, सब जालमों को बहा ले गई है। बहुत ताकत है इल्म में सुखा, बहुत। बोलो बेटे, बोलती क्यों नहीं हो? बोलो। चाचा साहब, ना तो मुझे किसी को फतह करना है और ना कोई ताकत बनना, तो बस मेरी वो इज्जत वापस कर दो। बस्ती की गलियों में पत्थरों से रोन दी गई, मुझे तो बस इंसाफ चाहिए। बेटा, यही तुम्हारा इंसाफ की तरफ पहला कदम है। क्या बकवास की है मेरे बारे में? मामूली लड़की को
ڈانٹنے کی وجہ سے ان اخبار والوں نے اتنا شور مچایا ہے, ساری اخباریں آگ اگل رہی ہیں میرے خلاف. کیا تم باقاعدگی سے انہیں راشن, اناج اور پھلوں کی ٹوکریاں نہیں بھیجتے رہے ہو؟ نہیں, بڑی باقاعدگی سے بھیجتا رہا ہوں. تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایک معمولی سے واقعے کو کیسا رنگ دے کر چھاپا جا رہا ہے؟ یہاں کیا کچھ نہیں ہوتا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. جواب دو سجن. اتنے اخبار ہو گئے, اتنے صحیح ٹی وی اسٹیشن کھول گئے, اتنے صحیح صحافی آ گئے کہ بندہ کس کس کو قابو کرے. صحیح ہر اخبار, ہر ٹی وی اسٹیشن صحیح ہر خبر کو بڑھا چڑھا کے صحیح پیش کرتا ہے. اور صحیح یہاں کے جو مقامی صحافی ہیں نا جی, بے بس ہو کے رہ گئے ہیں. نہ تو صحیح وہ خبر کو چھاپ سکتے ہیں اور نہ اس خبر کو صحیح وہ دبا سکتے ہیں جی. میں کچھ نہیں جانتا, یہ سب بکواس بند ہونی چاہیے. تم تو جانتے ہو کہ الیکشن سر پر ہے اور انہی اخباروں کی وجہ سے آج صبح سے فون چیخ رہا ہے کہ یہاں پتہ نہیں کیا آگ لگ گئی ہے. یہ سب بند ہونا چاہیے. جو حکم پیر سائیں دا سائیں.